आरटीओ चौराहे पर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान जो है वो धरने पर बैठ गए हैं। कारण क्या है? एक किसान आंदोलनकारी की मौत हुई है। कहा जा रहा है कि पुलिस की गोली लगने के कारण ये मौत हुई है। जो फिलहाल धरने पर बैठे हैं किसान लोग, उनसे कोशिश करेंगे बातचीत करने की। सर, ये धरने पर आप लोग बैठे हैं, जो आंदोलनकारी की मौत हुई है उसका काफ़ी दुख है। शहीद हुआ है जी, माफ़ी चाहेंगे, शहीद हुआ है। क्या आप उस मौके पर मौजूद थे? क्या यहाँ पे जब किसानों पे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, तो उस टाइम प्रशासन से बचने के लिए किसान अपने ट्रैक्टरों को इधर उधर कर रहा था, जिस पे किसानों पे आंसू गैस के डायरेक्ट गोले छोड़े गए। दिमाग पे गोला लगने से वो किसान शहीद हो गया। आज 26 जनवरी का दिन था, गणतंत्र दिवस पे एक किसान की शहीदी हुई। सरकार ने अपनी विफलता को दिखाया है। सरकार लगातार लॉलीपॉप दे रही है, ये दोहरी राजनीति की जा रही है। सीधा सा मैं संदेश देना चाहता हूँ कि मोदी सरकार दोहरी राजनीति कर रही है। किसानों को उनका तीनों कानून जो हैं उसको वापस ले, MSP कानून की गारंटी बनाए, रेट की गारंटी बनाए, उससे कम पर खरीदना हो, C2+50% की गारंटी दे। एक सवाल ये भी उठता है सर कि जब सरकार ने अनुमति दे दी थी कि भाई आप लोग मार्च कर सकते हैं, तो फिर सरकार ने बैरिकेडिंग वगैरह क्यों लगाई? या तो आप अनुमति नहीं देते या बैरिकेडिंग नहीं लगाते, तो ये क्या उद्देश्य है? वही तो मैं बता रहा हूँ, हम लोग लगातार बैरिकेडिंग को तोड़ के आ रहे हैं, आंसू गैस के गोले जो है खा के आ रहे हैं। आखिर क्यों बैरिकेडिंग की गई, प्रशासन ने क्यों की? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, मैं मीडिया के माध्यम से, आप चौथा स्तंभ हैं, मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ कि सरकार हमें जवाब दे, क्यों यह बैरिकेडिंग की गई? क्यों मैं हमारे यहाँ पे 40-40 गाड़ियाँ बसों को लगाया गया, क्यों ऐसा क्यों किया गया? सर, एक एक जो बात सुनने में आ रही है वो ये भी कि सरकार ने जहाँ पर ये बैरिकेडिंग लगाई थी, वो जो डेजिग्नेटेड रूट था, मतलब जो रास्ता कहा गया था कि इस रास्ते पर ट्रैक्टर मार्च हो, वहाँ पर नहीं हो रहा था, उसके अलावा भी रास्तों पर हुआ, इस कारण से बैरिकेडिंग के बाद क्या एकदम से आंसू गैस के गोले छोड़ दोगे? ठीक है, ऐसा था, अगर ऐसा कुछ था तो किसानों को पहले कहीं रोकते या कुछ भी ट्रैक्टर को रोकते इसके बाद ये, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एकदम से आके यहाँ पे आंसू गैस के गोले छोड़ोगे और सीधे मतलब फायरिंग करोगे। तो ऐसा क्या सर कहा जा सकता है कि जानबूझ के इस तरीके का एक माहौल बना? शायद सरकार, शायद प्रशासन ये जानती थी कि आंदोलनकारी किसी और रूट को अपना सकते हैं। ये इतना बड़ा आंदोलन है जिसमें कोई एक बहुत एक यूनिफाइड नेतृत्व नहीं है, तो हो सकता है आंदोलन में कुछ ऐसी घटना हो और उसकी आड़ में पुलिस हिंसा कर सके। क्या ये सोचा समझा कुछ हो सकता है? ये हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश का गृह मंत्री, इस चीज़ का पहले से ही था, किसान अंदर घुसेंगे और अंदर घुसाने के बावजूद इन पे हिंसक आंदोलन करेंगे, गोली चलाएंगे, लाठी चार्ज करेंगे, आंसू गैस के गोले चलेंगे। हमारे भाई को दो गोली मार दी, अभिनव नीजी को दो गोली हम लोगों के सामने मार दी, पुलिस दिल्ली पुलिस ने गोली मार दी। गोली या फिर आंसू गैस? नहीं, गोली चला दी, आंसू गैस के गोले नहीं, गोली चला दी। अच्छा। उसकी यहाँ से खोपड़ी भी उड़की, उसका यहाँ से उसके सीधी गोली मारी है। हम सामने खड़े थे, हमारे सामने की बात है। ये तानाशाह सरकार, इसका जवाब हम बहुत जल्दी देने वाले। यहाँ से क्या जवाब होगा? इनका कहना है कि जो सरकार है वो दोहरी राजनीति कर रही है। सरकार आड़ बनाना चाहती थी किसी भी तरीके से, और हिंसक तरीके जो है वो अख्तियार करना चाहते थे किसान, जो आंदोलनकारी हैं उनके ऊपर भी, और जो ये फार्म प्रोटेस्ट लगातार कर रहे हैं उनके ऊपर। एक किसान जो है वो शहीद हो गए हैं इस आंदोलन के दौरान, इससे पहले भी पूरे आंदोलन में 120 से अधिक किसान जो है वो शहीद हो चुके हैं। देखना लाजिम होगा कि आखिर कब तक सरकार अपनी जिद पर और किसान अपनी मांगों पर अड़े रहते हैं। देखते रहिए मॉनिटर्स।